दिल्ली में पीएम मोदी से मिलने उनके आवास पहुंचे जेपी नड्डा और अमित शाह, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बेटे संघ टीएमसी में वापस लौटे मुकुल रॉय, सीएम ममता बनर्जी ने की मौजूदगी में ली सदस्यता। किच्छा में वैक्सीनेशन के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान, वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए डीएम ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। हरिद्वार में कांग्रेसियों की सराहनीय पहल, पूरे विधि विधान से लावारिस अस्थियों का हुआ विसर्जन। हल्द्वानी पेट्रोल पंप पर कांग्रेस का हल्ला बोल, सरकार के खिलाफ जमकर लगाए नारे, तेल के बढ़ते दामों पर हंगामा। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमत को लेकर आज हल्द्वानी में कांग्रेस ने पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने पेट्रोल पंप पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि आजादी के बाद पहली बार मोदी सरकार में ऐसा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 100 की कीमत को पार कर गए हैं। ऐसे में एक्साइज ड्यूटी को पेट्रोल और डीजल से हटा देना चाहिए ताकि पेट्रोल और डीजल की कीमत से आम जनता को राहत मिल सके। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पूरे देश में लोग परेशान हैं। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पेट्रोल डीजल के दाम 100 पार हो गए, लोगों की पहली बार आजादी के बाद से पहली बार हुआ कि पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए से अधिक है। इन परिस्थितियों में राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार को एक्साइज ड्यूटी वगैरह खत्म कर देनी चाहिए, इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। अब बिना विरोध दिखाए कोई काम करते ही नहीं, जैसे तैसे कोरोना मैनेज हुआ और जब अस्पताल खोले तो अब मरीज नहीं है, तो इस तरह व्यवस्था ठीक नहीं है, राज्य सरकार भी फेल है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के कद्दावर चेहरा अजय कोठियाल है। अजय कोठियाल ने 70 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ने की ताल ठोकी है। बता दें कि कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद आज पहली बार ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पूरे 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। खास बात यह है कि प्रत्याशियों में युवाओं को अधिक से अधिक मौका दिया जाएगा। 70 सीटें हैं, उन 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। हमने कहाँ से लड़ना है वो ना अभी पहले काम करते हैं, उसके बाद ये जरूर है हमने भी इलेक्शन लड़ना है और 70 सीटों के बाहर से नहीं लड़ेंगे, इन 70 में ही कहीं ना कहीं से लड़ेंगे। क्या उद्देश्य रहेगा और किस तरह से नव निर्माण होगा उत्तराखंड का? बड़े बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, जैसे एक शब्द होता है पलायन, अगर तो तरक्की के लिए पलायन हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर पलायन मजबूरी में हो रहा है कि यहाँ पे हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, रोजगार नहीं है, जंगलों में आग लग रही है, तो हमें ना उनको प्रायोरिटाइज करना है। बेसिक तो मुद्दे यही है, हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार, बिजली पानी, और जिसमें जो कि मतलब एक होता है फ्री, एक होता है क्योंकि सरकार हमसे टैक्स ले रही है, तो ये ना ऑब्लिगेशन है कि ये बिजली पानी देने की जरूरत है। तो ऋषिकेश में इस वक्त कर्नल कोठियाल ने ताल ठोकी है, जहां उन्होंने उत्तराखंड की सियासत में भूचाल ला दिया है। वही इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अमित बताइए, उत्तराखंड में इस वक्त आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्या सियासी हलचल देख पा रहे हैं आप? जी, जैसा कि देखा जा रहा है लगातार पिछले कई वर्षों से कांग्रेस और भाजपा का ही राज उत्तराखंड में चल रहा था, और अब पहली बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने भी कदम रखा है, और जो कद्दावर जो चेहरा है इनका आम आदमी पार्टी की तरफ से वो कर्नल अजय कोठियाल, जिन्होंने भाजपा में भी अपना समय दिया है और भाजपा में बहुत बढ़िया समय दिया है, और ये कद्दावर नेता कहलाते हैं, साथ में जो फौजी परिवार है, आर्मी परिवार है, वो इनके साथ है, साथ में युवा है, जो यूथ फाउंडेशन के नाम से इन्होंने कई सैकड़ों युवाओं को जो ट्रेनिंग दी है और कई लोग फौज में भर्ती भी हुए इनके ट्रेनिंग के बाद। तो जैसा देखा जा रहा है कि कद्दावर नेता के रूप में जो ये उभर कर आए और इन्होंने ताल भी ठोकी, ऋषिकेश के एक कार्यक्रम में आए थे, वहां पर ताल ठोकी कि 70 के 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और खासकर बात सुनने में जो ये आई इनके बयान में, तो इन्होंने कहा है कि युवाओं को आगे लाया जाएगा और युवाओं को मौका दिया जाएगा चुनाव लड़ने का, क्योंकि आज तक देखा गया है कि कांग्रेस भाजपा अन्य पार्टी जो भी है वो अपने पुराने नेताओं को वक्त देती है, लेकिन सामने पे जो युवा चेहरा है वो कभी सामने पे नहीं लाई है। तो युवाओं के अंदर विजन होता है और नए विकास के कार्यों को करने के लिए नए नए आयाम होते हैं, उनको एक बार मौका मिलना चाहिए।
जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि प्रत्याशियों के रूप में युवा चेहरे देखने को मिल सकते हैं, तो क्या लगता है क्या उन्हें इससे फायदा मिलेगा? जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि युवाओं के अंदर भी काफी उत्साह है इस चीज को लेकर कि हमें भी राजनीति में एक कदम रखने का एक पहले शुरुआत मिलेगी, उस चीज को लेकर लोगों युवाओं में भी उत्साह है और युवा भी चाहते हैं कि हमें राजनीति में आने का अवसर मिले। और आम आदमी पार्टी जैसा कि देखा जा रहा है कि दिल्ली मॉडल को लेकर उत्तराखंड में आ रही है और साथ में अगर युवाओं को मौका देती है तो एक आम आदमी पार्टी में सोने पर सुहागा होने वाली जैसी बात हो जाएगी और आम आदमी पार्टी की संभावना बढ़ जाएगी जीत की। इस चीज को लेकर इन्होंने ये फैसला लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऋषिकेश से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल कोठारिया ने ताल ठोकी है, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आगामी 70 सीटों के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बेहतरीन जीत दर्ज करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जहां मंत्री यतीश्वरानंद ने प्रदेश की चीनी मिलों को अल्टीमेटम दिया है। चीनी मिलों को अल्टीमेटम देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की पेराई खत्म नहीं हो जाएगी तब तक कोई भी मिल बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर गन्ना किसानों की समय समय पर समस्या दूर नहीं की गई या फिर अन्य प्रकार की समस्याएं किसानों के सामने आई तो चीनी मिलों पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने खुले तौर पर चीनी मिलों को चेतावनी दी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसानों के साथ में धोखाधड़ी या उनकी समस्या का निदान नहीं किया जाता तो चीनी मिलों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसलिए हम उच्च न्यायालय नैनीताल में हमने रिट डाल रखी और ये हमारी चीनी मिल है 3 जिलों की मिली हुई चीनी मिल है। इसके लिए कॉपरेटिव एक्ट के अंदर एक संविधान में संशोधन हो चुका है, ये मल्टी स्टेट कॉपरेटिव है, इसको कोई अधिकार नहीं उत्तराखंड सरकार इसको अकेला फैसला ले, इसके साथ उत्तर प्रदेश ज्वाइंट है और मल्टी स्टेट कॉपरेटिव एक्ट के अंदर उत्तराखंड सरकार नहीं चलाती, इसको सेंट्रल कॉपरेटिव एक्ट के अंदर उसको दे दिया जाए। किसान अपने अपने हमारे क्षेत्र के विधायक श्री बहुगुणा जी ने, हमारे खटीमा के विधायक जी का लगातार प्रयास था कि सितारगंज शुगर मिल को चलाया जाए, सरकार ने निर्णय लिया माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने कि हम पीपी मोड पर सितारगंज शुगर मिल चलाएंगे और आने वाले 30 तारीख को इसमें टेंडर डालेंगे, उसमें जितनी भी पार्टी आएगी जो भी उसमें टेंडर डालने में सफल होगा, जो भी ज़्यादा रेट पर टेंडर डालेगा ये सितारगंज शुगर मिल वो चलाएगा। वहीं से खबर पर हमारे संवाददाता बिट्टू अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बिट्टू अंसारी जी, क्या आपको जानकारी मिली आपको? जी मैम, बताएं। हेलो बिट्टू अंसारी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है आवाज हमें। तो हमें बताइए कि जिस तरीके से किसानों की समस्या दूर करने के निर्देश दिए गए, वही गन्ना मंत्री ने क्या कुछ निर्देश जारी किए? मैम, पिछले 4 सालों से चीनी मिल बंद पड़ी है ना, तो हेलो मैडम, मेरी आवाज सुनाई आ रही है आपको? हेलो, तो बड़ी खबर इस वक्त आपको सितारगंज से बता रहे थे, जहां गन्ना मंत्री ने सीधे तौर पर चीनी मिलों को अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बाद से किसानों में थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जहां उधम सिंह नगर के किच्छा में COVID-19 वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग, तहसील कर्मियों, नगर पालिका, ब्लॉक व ग्रामीण पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि COVID-19 वैक्सीनेशन को तेजी से करवाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के 6 में मात्र 20% वैक्सीन लगी है, जो कि इस वक्त चिंता का विषय है। सभी जनप्रतिनिधियों को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे, घर में जाकर वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करना होगा, वैक्सीनेशन के लिए गलत फहमियों को भी समाप्त करना होगा। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो गोपाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किच्छा में मात्र 20% वैक्सीनेशन के कारण क्या है? मैम, क्षेत्र के किच्छा क्षेत्र के SDM नरेश दुर्गारपाल जी ने एक उदाहरण दिया, इसमें ये बताया कि 1 लाख की आबादी में
मात्र 20% वैक्सीनेशन हुआ है, इसको और ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए सभी वहाँ पे पदाधिकारी जैसे ग्राम प्रधान और अन्य क्षेत्र के विधायक सभी लोग वहाँ बैठे थे, सबको जागरूकता अभियान के लिए बताया जी। तो डीएम ने क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं? डीएम साहिबा ने ये कहते हैं उधम सिंह नगर जिला अधिकारी रंजना राजगुरु के द्वारा सभी से क्या कहते हैं इस बारे में वो मांगा गया कि आपने अपने वो दीजिए जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो किछुआ से आपको खबर बता रहे हैं जहां डीएम ने वैक्सीनेशन जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, जहां उन्होंने कैंप के जरिए लोगों को वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लगवाने की अपील की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां विकास नगर के तहसील क्षेत्र में जमीन को लेकर आए दिन शिकायतें मिलती रहती हैं। इस तरह के एक मामले में जमीन मालिक और ग्रामीणों के बीच जमकर कहासुनी हो गई। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन और जल विद्युत निगम डाक पत्थर के अधिकारियों से शिकायत की। जमीन के विवाद को लेकर मालिक ने कहा कि रास्ते के बराबर में लगी हुई नंबरी जमीन मेरी है, जिसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं मौके पर पहुंचकर राजस्व उप निरीक्षक के साथ जल विद्युत निगम डाक पत्थर के अधिकारियों ने मामले का निपटारा करने की बात कही है। इसलिए भू स्वामियों का कहना है कि किसी को भी जमीन के मामले में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर ये विवाद तो कुछ भी नहीं है, ये जमीन मेरी है और ये लोग सिंचाई विभाग बता के बार बार मुझे डराते हैं, धमकाते हैं। फिर ये जो कि एक यहाँ पे गंभीर नाम का है, उसके पिताजी का भी SDM बताते हैं अपने आप को कि मैं SDM रहा हूँ और मुझे सारी नॉलेज है। वो बार बार आके मेरे पास दबाव बनाते हैं, कहते हैं कि ये पंचायती है और ऐसे ऐसे करके, और एक बिक्की नाम का बंदा है, और ये मुझे इनसे पूरा ये ऐसा भी है कि ये कभी भी मुझे मार भी सकते हैं ये। और वो कहते हैं कि मेरी अच्छी प्रशासन में भी पकड़ है, नेतागिरी में भी पकड़ है, और हम तुम्हें बताएंगे कि तुम चीज क्या हो। और इसको प्रशासन के लोग आए थे, इन्होंने क्या प्रशासन ने ये देखा, पूरा नापातौली करी, उसके बाद हमारी जमीन बिल्कुल हमारी है और बिल्कुल नाप तोल के चले गए, बिल्कुल सही है जमीन, कोई सेला कुई में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों का कहना है कि पिछले 7 साल में बीजेपी सरकार ने लोगों का सिर्फ नुकसान ही किया है। तेलों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं और इस महंगाई ने आम आदमी को काफी ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। को लेकर जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, सभी पेट्रोल पंप पर धरने जारी हैं और जिला पछवादून देहरादून में भी जगह जगह धरने हो रहे हैं और आज सेला कोई में सभी कांग्रेसजनों के साथ यहां पर धरना दिया गया है। आज जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अपने निम्न स्तर पर हैं और लगातार टैक्स बढ़ाकर ये सरकार आम जन के जेब से पैसा निकालने का काम कर रही है और डीजल पेट्रोल की कीमत कई जगह तो 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है और यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर भी 93 रुपए। लालकुआ के वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने लालकुआ विधानसभा क्षेत्र हाथीखाना में हो रहे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना और सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता में किसी भी तरीके की कोताही न बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा नेता पवन कुमार चौहान ने कहा कि हाथीखाना क्षेत्र में पिछले लंबे समय से जल भराव की समस्या एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसका उनके द्वारा पूर्व में सड़क निर्माण का आश्वासन दिया गया, जिसका आज से कार्य शुरू हुआ है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उक्त बदहाल मार्ग अब जल्द ही CC मार्ग में तब्दील हो जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लगातार प्रदेश कीर्तिमान विकास कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं। ये कोरोना काल 1.5 साल से हम लोग कहीं ना कहीं विकास कार्यों में थोड़ा सा हल्केपन आया है, पिछड़ापन आया है, थोड़ा धीमी गति हो गई थी क्योंकि लोगों की जीवन बचाना बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी सरकार, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो,
एक एक जनता के बीच में सब लोग लगे हैं, अन्य दल के लोग आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। हमने घोषणा की थी क्योंकि ये वास्तव में बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ के लोगों का जो जीवन था वो एक बहुत नरक में हो गया था। लंबे समय से बहुत बड़े नेता आए, लोगों ने बड़े विकास की बातें करी। गूंज संस्था की ओर से मसूरी व्यापार मंडल के सहयोग से अलग अलग क्षेत्रों में 500 लोगों को राशन किट वितरित की गई। इस दौरान गूंज संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने कहा कि वे लगातार मसूरी क्षेत्र के साथ ही पूरे प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज उनके द्वारा मसूरी के गरीब जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया गया है और जब तक कोरोना काल रहेगा वह लोगों की मदद करती रहेंगी। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टर सोनिया आनंद रावत के प्रयासों से व्यापार मंडल पूरे शहर में जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सभी लोगों को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने चाहिए और इस पर बिल्कुल भी राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस समय लोग कोरोना से त्रस्त हैं और सभी को सहायता की जरूरत है। देखिए, कोरोना संक्रमण के बीच खासकर निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के लोग परेशान हैं। आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो चुकी है, लोग बेरोजगारी की कगार पर हैं। इसी बीच हमारे बीच सोनिया आनंद रावत जी द्वारा और मसूरी ट्रेडर एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से अब तक करीब 250 से ऊपर परिवारों को राशन दे चुके थे हम लोग और आज की तिथि में 10 तारीख को 500 लोगों का वितरण समस्त मसूरी में किया जा रहा है, जो अलग अलग मोहल्लेवार करा जा रहा है जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे और खासकर उन लोगों को करा जा रहा है जो जरूरतमंद है। सबसे पहले मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और देखिए, जहाँ तक फंडिंग की बात है, जहाँ तक राशन वितरण की बात है, राशन के अलावा भी हम बहुत चीज़ें लोगों को मुहैया कराएंगे। अभी रोज़ का हमारा टारगेट है क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं और सही लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है कि जिनको वाकई निडी लोग हैं, जिनको राशन की आवश्यकता है, हम लोग अन्यथा ऐसे किसी को नहीं दे रहे हैं। और फंडिंग की बात है तो देने वाला तो ऊपर वाला है, अपने आप ही न जाने कहाँ कहाँ से हमारे से लोग जुड़ते चले गए और हमें फंडिंग होती जा रही है और हम कोरोना महामारी में कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। इसी कड़ी में महामारी से जान गंवाने वाले लावारिस मृतकों के अस्थियों के सिलसिले में कांग्रेस कार्यकर्ता हरिद्वार पहुंचे। मौके पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे विधि विधान के साथ 500 अस्थि कलश का विसर्जन किया। विसर्जन के दौरान 21 ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार के बीच मृतकों के लिए मोक्ष की कामना की गई। ये सभी अस्थि कलश दिल्ली के कई शमशान घाटों से लाए गए हैं। जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ, पहला लॉकडाउन जब हुआ, तो उसके बाद से ही दूसरे लॉकडाउन के अंदर, सेकंड वेव के अंदर, दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके परिवार के अंदर कोई नहीं बचा था, कि मतलब छोटे छोटे बच्चे और बेसहारा हो गए थे। और ऐसे लोगों का हमने दाह संस्कार किया और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके परिवार से कोई दाह संस्कार करने नहीं आया और बहुत सारे ऐसे बेसहारा और बेघर लोग भी थे जो होमलेस थे और जिनका इस दुनिया के अंदर कोई नहीं था। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में हमने दाह संस्कार के बाद जब देखा कि शमशान घाटों के अंदर अस्थियों के ढेर लगे हुए थे और कोई उनके परिजन लेने वाले नहीं थे, कोरोना काल के बाद में भी, लॉकडाउन खुलने के बाद भी उन्हें कोई लेने नहीं आया। हमने पहले भी 168 लोगों की अस्थियों को विसर्जित किया था गढ़गंगा में, अब 501 अस्थियों का विसर्जन करने के लिए। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र बिंदुखत्ता के घोड़ा नाला स्थित कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस एसए विभाग के जिला इंद्रपाल आर्य ने जल्द ही ग्राम इकाइयों के गठन सहित संगठन के कार्यक्रमों तथा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कहा कि अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के जन विरोधी नीतियों का हम डटकर मुकाबला करेंगे, इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अभी से जुट जाने की जरूरत है। देहरादून में सुस्त गति से चल रहा स्मार्ट सिटी का कार्य जनता पर भारी पड़ रहा है। जी हां, स्मार्ट सिटी के कार्यों के दौरान चल रहे निर्माण के बीच गाड़ियों की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। सड़क किनारे वाहन खड़ा करना कई लोगों को महंगा पड़ रहा है और पुलिस उनके चालान काट रही है। लोगों की माने तो जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा पार्किंग के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ऐसे में कॉम्प्लेक्स में कार्य कर रहे व्यापारियों के पार्किंग स्थल तक पहुंचने के सभी रास्ते बाधित है। मजबूरन उनको सड़क के किनारे अपनी गाड़ियां खड़ी करनी पड़ रही है।
लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के कार्य के साथ साथ सरकार की और प्रशासन की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए ताकि लोगों को चालान से छुटकारा मिल सके। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की माने तो पार्किंग के लिए नियत किए गए स्थान पर ही लोग अपने वाहन खड़े करें, नहीं तो कार्यवाही की जाएगी। रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली स्थित फायर ब्रिगेड के स्टेशन पर डीआईजी फायर मुख्तार मोहसिन ने निरीक्षण किया और हरिद्वार जिले के सभी फायर स्टेशन प्रभारियों के साथ एक बैठक भी की। इसके साथ ही आने वाले मानसून को लेकर फायर स्टेशन में कैसी तैयारियां हैं इस पर भी उन्होंने समीक्षा की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार हमने रुड़की और भगवानपुर के फायर स्टेशन को एक नई गाड़ी दी है जिससे यहां पर फायर संसाधन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और इससे हमारे फायर फाइटिंग और आपदा में हमारे विभाग की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। फायर स्टेशन का आज मैंने निरीक्षण किया है और इसके साथ जनपद हरिद्वार के जितने भी फायर स्टेशन है, फायर यूनिट है, सबके प्रभारियों की यहाँ पर मैंने गोष्ठी ली है। इस इंस्पेक्शन और गोष्ठी का उद्देश्य यही है कि जो फायर सीजन है उसमें क्या हम लोगों ने अभी तक किया है और क्या अभी काम किया जाना शेष है, और इसके अलावा मानसून सीजन भी अब आने वाला है तो मानसून सीजन में जो आपदा की स्थिति है उससे निपटने के लिए फायर स्टेशन कहाँ तक तैयार है उसकी हम लोगों ने समीक्षा की है। और समीक्षा में मैंने पाया कि हमारे यहाँ जो है वो नफरी और मैन पावर और इसके साथ साथ उपकरणों की संख्या जो है ना वो ठीक है और इस बार हम लोग पूरा आपदा को। लाल कुआ में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कमेटी के लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी के लोगों ने सांकेतिक तरीके से प्रदर्शन किया। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर हाथों में तख्ती लेकर कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। सरकार पर आरोप लगे कि कोरोना काल में सरकार ने गरीबों की मदद नहीं की और गरीब लोग महामारी और लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे हैं। सरकार की बद इंतजामी को ही काफी ज्यादा इस वक्त नुकसान का जिम्मेदार माना जा रहा है। पूरे देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पहाड़ों में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता तेल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर कांग्रेस कमेटी लक्सर के अध्यक्ष देवेश राणा की अध्यक्षता में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार राज्य की जनता का खून चूस रही है इससे इनके राज्य में महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। लक्सर के प्रदर्शन में पहली बार सभी कांग्रेसी एकजुट दिखाई दिए। पेट्रोल पे कमीशन खाया जा रहा है, डीजल पे कमीशन खाया जा रहा है। शमशान घाट में जो कोरोना पीड़ितों के अंतिम संस्कार हुआ है उसकी लकड़ी में कमीशन खाया जा रहा है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार फेल हो चुकी है। महंगाई गरीब जनता का गला घोट रही है। जैसी महामारी कोरोना की फैली हुई है वैसी महामारी महंगाई की इस देश में फैली हुई है। मोदी सरकार फेल हो गई है। आज यहाँ लक्सर में कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में देवेश राणा जी के और कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस सेवा दल का उसको भरपूर समर्थन है। अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके आह्वान पर आज पूरे प्रदेश के अंदर हर पेट्रोल पंप पर, हर ब्लॉक में, हर नगर में, हर शहर में धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई तो लूटता एक हाथ से दोनों हाथों से लूट लिया। डीजल के भाव आप देख रहे हैं कि आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल के भाव आप देख रहे हैं। जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की तो तब ये 400 रुपए का हमारा गैस सिलेंडर था, 400 रुपए के गैस सिलेंडर पर हमको 176 रुपए की सब्सिडी मिलती थी और इन्होंने अपना सिलेंडर जो है आज 900 का बेच। रुड़की के बेटपुर में एसडीएम ने नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शफकत अली और सभासद के साथ बैठक की। इस बैठक में अधिकारी ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर समाज में जागरूकता फैलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोविड संक्रमण की संभावना बहुत कम हो जाती है। उन्होंने सभी से कहा कि वह समाज में लोगों को जागरूक कर अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाने में सहयोग करें। कोविड-19 से लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। वैक्सीन लगवाना पीसी का ही हिस्सा है। एसडीएम पूरन सिंह राणा ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की जरूरत के लिए
हम बैठक करेंगे जिसमें सभी अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करें और मस्जिद के मौलाना भी अपने अपने मस्जिदों में अनाउंसमेंट कर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करें। समुदाय के जो जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ बैठक की जा रही है। कुछ लोगों में लोगों के मन में अगर कोई डाउट्स है भ्रांति है ताकि उसको दूर किया जा सके, और इस पहल का अच्छा चीज़ ये भी निकला है कि बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के द्वारा आगे आके अपने आप को वैक्सीन करवाया जा रहा है, और बहुत अच्छी चीज़ है जिससे कि हम इजीली बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सर जो नहीं देखिए ठीक है, लोगों के मन में शंकाएं रह गई उसी के लिए हम लोगों अधिकारियों को बनाया गया है, और पूरे सब डिवीजन में मेरे द्वारा सभी अधिकारियों को डिप्यूट किया गया है जो गांव-गांव में जाएंगे और लोगों को वैक्सीन के बारे में। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।